नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव हो रहे हैं। इन सभी सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला आरएलडी और सपा गठबंधन से है। इसका एक कारण ये भी है कि कांग्रेस और बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रहे। इसके बाद चर्चा इस बात की भी चल रही है कि इनका वोटर किधर जाएगा। खासतौर से बीएसपी का प्रत्याशी ना होने पर मायावती के वोटर किसको वोट देंगे। भले ही बीते कुछ चुनावों में बीएसपी का कैडर वोट कमजोर पड़ा हो, लेकिन फिर भी दलितों की बड़ी तादाद आज भी मायावती को ही वोट करती है। अब जब तीनों ही सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो सपा और भाजपा के बीच लड़ाई मायावती के कोर वोटर्स को लेकर भी होने वाली है। हालांकि बीते चुनाव के आंकड़ों के अनुसार बीएसपी के कुछ वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर रहा है, लेकिन फिर भी मायावती के पास प्रदेश में करीब 12% वोट सुरक्षित है, जिसको अगर औसत नजरिए से देखें तो ये हर सीट पर निर्णायक सिद्ध हो सकता है। ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती भी अच्छी तरह से जानती हैं और वो ये नहीं चाहती कि उनका वोटर उनकी गैर मौजूदगी में भी कहीं इधर उधर शिफ्ट हो। यही वजह है कि उपचुनाव के नामांकन के दौरान ही मायावती ने पसमांदा मुसलमानों के बहाने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जिससे इस नज़रिए से भी देखा गया कि ये मायावती का अपने मुस्लिम वोटर्स के लिए एक इशारा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने मूल वोटर यानी दलित समाज को कोई संदेश नहीं दिया है, जिसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार उपचुनाव में कुछ कारणों से सियासी स्थितियां भी बदली हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात को माना जा रहा है। खतौली उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ आरएलडी के उम्मीदवार को चंद्रशेखर आजाद ने अपना समर्थन दिया है, जबकि आरएलडी सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को भी दलितों का नेता माना जाता है और युवा चेहरे के तौर पर कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मायावती की वो जगह भी ले सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में जनाधार के मामले में वो उनके आसपास भी नहीं दिखते। लेकिन ये बात जरूर है कि चंद्रशेखर आजाद के एक दलित नेता के तौर पर पहचान पूरे प्रदेश में है। इसी वजह से एक विकल्प ये भी है कि दलित तबके का काफी वोट इस बार सपा गठबंधन के खाते में भी जाए। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी इस तबके को अपनी ओर लाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने कई सम्मेलन किए हैं, जबकि उनमें अपनी सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी खास तौर पर मुद्दा बनाया है। वहीं इस समाज के मंत्रियों और नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि दलित वोटर्स का एक तबका बीजेपी के साथ भी जा सकता है। अभी किसके पक्ष में जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर दिख रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।